तो एक्स्ट्रा शीट भी चाहिए तो आखिरी पेज पे काम करके भी नहीं है। जॉनलेस से मेरी बात सही कर रही हूँ। चलो सर, पहले ब्रेक इवन के जरा दो तीन सवाल और कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सवाल पेज में 37 है। जो कल क्वेश्चन नंबर 3 के वो कंप्लीट है, आइडियल केमिकल समझ आ गया सर, रिवाइज किया सर आपने, कोई मसला किसके का? देखिए सर, इनिशियली पहले है अंडरस्टैंडिंग इन चीजों की, और फिर है इनकी मुसलसल प्रैक्टिस। इसमें अभी आप ये नहीं कह सकते कि बात खत्म हो गई, बस फार्मूले को देखें, अगर हम इसे इस तरह से देखें कि इसमें है क्या, तो मेरा 5-5 फार्मूले है बस, लेकिन उन फार्मूला की बेस पे करना भी है, वो जब डेटा चेंज हो जाता है तो नए तरीके से सोचना पड़ता है सर, उसको समझने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है। देखिए अब इस वक्त पहला स्टेप ये है कि कम से कम हम कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लास में डेवलप करना। अगला स्टेप कम से कम अब ये जरूर है कि अगर आप कोई क्वेश्चन शुरू करें और कहीं फंस जाए तो आंसर देख के इंडिविजुअली समझ जाए। डेफिनेटली फिर लास्ट स्टेप ये होगा कि मैक्सिमम खुद से अटेम्प्ट किया जाए, लेकिन अभी उस आखिरी स्टेप पे आने में हमें टाइम लगेगा। ऐसा जैसा मैंने आपको कल डेजी कहा है, मुझे उम्मीद है कि उसकी कम से कम लेबर की और ओवरहेड्स की आपने ट्राई जरूर की होगी और वो कोई रीजनेबल अटेम्प्ट भी हो गया होगा, लेकिन मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस में डेफिनेटली थोड़ा सा इश्यूज है तो मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज ही आगे हमें पढ़ना पड़ेगा, तो ये नहीं है इस वक्त के जी एक क्वेश्चन आपने देखा और 100% अंडरस्टैंड कर लिया, ये तो शायद अल्लाह करे पेपर में ही हो जाए, ये तो शायद पेपर में भी नहीं होता। 100% की गेम भी नहीं है, आपको ये चीज जहन में रखनी चाहिए। अगर 100% की गेम होती पर तो हमें पासिंग मार्क्स भी 100 ही होते, तो ये सारी तैयारी के बाद भी पासिंग मार्क्स 50 क्यों हो, क्योंकि एग्जाम पेपर बस ऐसे सेट करता कि जिसकी 100% तैयारी है वो पासिंग मार्क्स ले सके। इसका मतलब फिर ये हुआ कि वो क्वेश्चन ऐसा बनाता है कि जो 100% अटेम्प्टेबल नहीं होता। हाँ, आपका नॉलेज वो टेस्ट कर लेता है कि आपने किया क्या है, कैसे किया, लेकिन बहरहाल आपको इंट्रो का पेपर आपने दिया गया है या फिर वन का दिया, तो एक आध सवाल ऐसा होता है जो क्लोज टू 100% हो जाता है। अगर तैयारी हो तो ऐसे हो जाता है हमेशा, एक दो सवाल ऐसे होते हैं जो 60-70% तक, एक वो भी होता है जो बिल्कुल शुरू नहीं होता, तो ये मिलजुल के ही 50 है। और ये भी कौन कर सकता है जो मैंने कहा, जिसकी अपनी तरफ से 100% एफर्ट, ठीक है। तो इस वक्त आपने मुसलसल एफर्ट जारी रखनी, दिस इज व्हाट वी कैन डू एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 2। ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अभी छोटा सा सवाल है, मैक्सिमम करवा दूंगा। ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स ऑटो स्पेयर पार्ट्स, करेंटली इट इज ऑपरेटिंग एट 70% कैपेसिटी
At this level, the following information is available. Break even sales. क्या होती है ब्रेक इवन सेल्स? मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ये क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? हाँ जी, ब्रेक इवन से ऊपर जितना होता है. बिल्कुल सही लग सर. कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल्स. ये क्या कह रहा है? नहीं मतलब आप इसका मीनिंग क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल्स सर, जो सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट लेस करके जो रेवेन्यू और सेल प्राइस पे डिपेंड करता है. ये परसेंटेज आगे दी हुई कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो टू सेल्स. कंट्रीब्यूशन टू सेल डिवाइडेड बाय सेल. यानी मतलब वही मैं कह रहा हूं 20% एक रेशियो किसकी किसके साथ? कंट्रीब्यूशन मार्जिन की सेल्स. व्हाट इज 100? व्हाट इज 80? एंड 20 इज कंट्रीब्यूशन. AIL Auto Industries Limited is planning to increase capacity utilization through the following measures. Is planning to increase through the following measures. Number 8, sale price would be reduced by sale price would be reduced by 5%, which is expected to increase sale volume by price 5% कम करने से ये expected है कि units जो है वो 30% ज्यादा बिक जाए. ठीक है, अगर पहले 100 रुपए पे बेचते थे तो अब 95 पे बेचेंगे, और अगर पहले 100 यूनिट्स बेचते थे तो 130 यूनिट्स बेचेंगे. Increase in sales would require additional investment of 40 million in distribution vehicles and working capital. Translation करें. सेल को बढ़ाने के लिए हमें 40 मिलियन की डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स और वर्किंग कैपिटल कैश वगैरह बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, 40 मिलियन की फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. एडिशनल फंड्स वुड बी अरेंज टू अ लॉन्ग टर्म लोन एट अ कॉस्ट ऑफ 15% का लोन. कैलकुलेटर पढ़ो, कोई इंटरेस्ट भी इंकर होगा. सारे फंड्स कहां से? लोन लेके. और फिर 15% उसका रेट है तो 40 × 15%. ठीक है, इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल होगा अगर हम ये अपनी कैपेसिटी बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं तो. ठीक है, वो देख, वो मैंने डिस्कस करता हूँ. डेप्रिसिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स वुड बी जी, ये भी हमारी कम कैपेसिटी बढ़ाने की वजह से. अब जो व्हीकल्स हम खरीदेंगे वो तो मेरा ख्याल है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो फिर फिक्स कॉस्ट है. जी जी, इस डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल से वहां हम एक नई प्रोडक्ट का डिसीजन ले रहे थे कि हमने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो देयरफॉर हम सिर्फ उस नई प्रोडक्ट का एंगल सोच रहे थे. तो यहाँ भी देखते हैं कि हमने क्या सोचा. और चार्ज नहीं कितने आते सर? जो इंक्रीमेंटल थी वो ली थी. एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल वुड रिड्यूस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाय 10%. ठीक है, ये क्या, ये क्या कहते हैं? मतलब अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो फॉर एग्जांपल वेरिएबल कॉस्ट के कुछ एग्जांपल्स हम रख लेते हैं. रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल शायद आप अगर इकट्ठा खरीदेंगे तो बल्क डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाएंगे. ठीक है, एक्टिविटी लेवल बढ़ा लेना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ज्यादा एक्टिविटीज जनरेट करने से, ज्यादा प्रोडक्शन करने से
फिर अगर मटेरियल इकट्ठा खरीदेंगे ब्लड डिस्काउंट थोड़ा मिल सकते हैं, ठीक है। वैसे भी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट वगैरह रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ उसने किसकी बात की, वैसे पहले अगर 100 रुपये तो अब 90 हो जाए। अब नेक्स्ट पेज पर जाए रिक्वायरमेंट्स के, अगर प्रॉफिट स्टेटमेंट्स बताएं अंडर द करंट एंड प्रपोज सिनेरियोस, फिर एक रिक्वायरमेंट भी है सेकंड है, कंप्यूट क्या ब्रेक इवन सेल्स एंड सेफ्टी मार्जिन आफ्टर टेकिंग द अबाउट मेजर्स, प्रॉफिट स्टेटमेंट्स बनानी है। एक मिनट जरा पिछले पेज वापस आए, करंट सिनेरियो एंड प्रपोज सिनेरियो बनाना क्या, नहीं दोनों बनाना, प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट्स अंडर करंट एंड प्रपोज, पहले करंट सिनेरियो जेन में रख के वापस आ जाए पिछले पेज पे। प्रॉफिट स्टेटमेंट शुरू करो जी, एक मिनट, प्रॉफिट स्टेटमेंट से वैसे क्या मतलब, स्टेटमेंट प्रॉफिट जी जी, प्रॉफिट स्टेटमेंट करंट से क्या जी, करंट से देख लें, देख अपराध इनकम स्टेटमेंट थोड़ा बना लेंगे, प्रॉफिट स्टेटमेंट बताएं करंट सिनेरियो में सेल क्या, सेल बताएं 125 के, तो यही सेल, अगर यही सेल होती तो अगली लाइन ना होती, अगली लाइन के साथ लिंक करें, अगर इतनी ही हमारी सेल होती तो फिर अगली लाइन ना होती, अगली लाइन क्या है, इसका मतलब हमारा सेल का लेवल है क्या, क्या 125 से ज्यादा, कितना ज्यादा, तो क्या हम ब्रेक इवन पे ही हैं या हम ब्रेक इवन से ऊपर है, तो इस वक्त करंट लेवल ऑफ सेल के है, ये समझ आता प्लीज, मैं प्लस कर रहा हूँ, प्लीज मिलिए ना, रुक के सोचा था, व्हाट इज 125, व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी अबव ब्रेक इवन, तो फिर हमारा इस वक्त लेवल होगा 150 का, ये ठीक है प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सॉरी शाह साहब लेकिन बहरहाल कर लेते हैं रिजॉल्व, सॉरी 150 डन है सर, अब आगे कोई नहीं, अब तरतीब से जेन में लाएं, तरतीब से लाएं चीजें, देखते हैं फिर क्या मिलती है, वेरिएबल कॉस्ट आ सकती है कहीं से, कहां से, ठीक है बिल्कुल सही, जो सेल है, जो सेल है उसी को बेस बनाना चाहिए, और क्या वैसे भी सेल के इजाफे के साथ वेरिएबल कॉस्ट का इजाफा हो जाएगा, तो सेल कौन सी, कौन सी सेल, तो व्हाट इज 20%, अब क्या करें, तो इनटू डिवाइड बाय 100, ठीक है ये ज्यादा बेहतर, 150 ठीक है, डिवाइड बाय 100 इनटू 80, 120, एक सेकंड का कैलकुलेटर पकड़े, 125 लिखे कैलकुलेटर, ये क्या 125, इसको डिवाइड बाय 100 इनटू 80 करें, ये क्या, अगर 125 मिलियन सेल होगी तो अगर 20% कंट्रीब्यूशन मारते हैं ना तो 100 वेरिएबल कॉस्ट होगी, तो क्या 100 वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी या सेल के हिसाब के साथ साथ वो भी बढ़ेगी, तो हमारा अगर सेल्स के लेवल 150 है तो हमें ब्रेक इवन वाली वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं दिखनी, सेल्स बढ़ने से फिर वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, ठीक है सही है,
तो 120 ओके अब स्ट्रेट वे कंट्रीब्यूशन तक आ सकते थे 150 डिवाइड बाय 100 इनटू 20 कर किया करें सर उसमें फिक्स कॉस्ट भी पता लगा हां जी आने आगे 25 जी बिल्कुल ठीक अब हमें फिक्स कॉस्ट है लेकिन अभी ये ध्यान में रखें करंट सिनेरियो में बात हो रही है जो नीचे पढ़ रहे थे हम वो लाइन देखना जरा स्टेबल के छोटा स्टेबल के नीचे ये शायद प्रपोज सिचुएशन तो देख लें इधर दोबारा देखो प्रपोज सिनेरियो अभी बनाना है हमने करंट सिचुएशन में फिक्स कॉस्ट चाहिए 25 ठीक सॉरी नहीं पहले ये करके ना चाहिए क्या इस सिनेरियो में करंट सिनेरियो तो इसी करंट सिनेरियो के अंदर अंदर एक फिक्स कॉस्ट भी है ये तीन लाइनें जो दी हुई है ना उसमें इस टेबल के अंदर इनको जरा कोशिश करें सोचने 125 20% ठीक है ब्रेक इवन सेल मार्जिन ऑफ सेफ्टी और कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल वाली जो रेशियोज हैं इनको अगर हम गौर से देखें तो हम फिक्स कॉस्ट तक पहुंच सकते हैं करंट सिनेरियो में कैसे कहते हैं ना जी हाँ फिक्स कॉस्ट का टोटल कॉस्ट होगा अनलेस वी हैव इंफॉर्मेशन वो डेफिनेटली प्रपोज सिनेरियो में कुछ चेंजेस आते हैं तो करंट सिनेरियो में फिक्स कॉस्ट तक पहुंचना ब्रेक इवन सेल्स की तरफ आना ब्रेक इवन सेल ये 5 मिलियन फिक्स कॉस्ट कैसे निकाली है हजरात ने 5 मिलियन मुझे पहले भी बोला ये 5 मिलियन कैसे निकला फिक्स कॉस्ट में निकलेगी नेट प्रॉफिट नहीं नहीं एक मिनट 5 मिलियन एक फिक्स कॉस्ट पहले भी आई मेरे सामने भी आई है क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी और कंट्रीब्यूशन में डिफरेंस तो नहीं ले लिया सर ना करें मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या चीज है नहीं ये सही है वर्ड ना सेम रखते हैं एडिशनल सेल है एडिशनल सेल के रुपीस हैं ये ऊपर क्यों जमा कर दी हमने 125 में 25 क्यों जमा कर दी वो भी सेल है वो भी सेल यूनिट्स इनटू सेल प्राइस है ब्रेक इवन सेल कैसे बनेगी ब्रेक इवन यूनिट्स इनटू सेल प्राइस पर यूनिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस कैसे बनेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स इनटू सेल प्राइस पर यूनिट तो ये 25 है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस है रुपीस ऑफ सेल है तो आप ये नहीं कह रहे ये कंट्रीब्यूशन नहीं है ये देखो प्रॉफिट कहां निकल सर अच्छा हां ये किया आप ये कई दिन से प्रॉफिट समझ रहे हैं सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं समझ रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 से याद रहे अल्टर से गेम चल रही है अल्टर में जिस दिन पहली दफा प्रॉफिट देखा आपने उसी दिन से आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहना शुरू हो गए ये जरा आंसर निकाले अल्टर का नहीं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट होती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सेल रुपीस प्रॉफिट नहीं होते मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट बनती है तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इटसेल्फ मीनिंग है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इनिशियली मीनिंग है नंबर ऑफ यूनिट्स अबव ब्रेक इवन मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट बार बार मिक्स हो रहा है ये पांच इस तरह आया ये पांच फिर वैसे ही है लोगों ने इस 25 को समझा है फिर प्रॉफिट हालांकि ये तो है सेल वो तो ऊपर लिखी हुई है और 30 से फर्क लेके पांच प्रॉफिट मेरे फिक्स कॉस्ट बताइए तो क्या एंड में फिर 25 आना फिर 25 आना नहीं एंड में क्या आना है आना क्या है एंड में क्या आना है 25 जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना उसकी कंट्रीब्यूशन है प्रॉफिट बनना तो ये ठीक है तरीका वैसे अच्छा लेकिन ये हो सकता है लेकिन ये 25 एज इट इज नहीं होना ये ऑल्टर देख लिया सबने ऑल्टर देख लिया सर जरा बोलेंगे आखिर 42,350 तो फिक्र हमने याद करवा दिया वो 42,350 क्या है किन यूनिट की वजह से वो प्रॉफिट कैसे आया है 8,000 यूनिट्स है तो बड़ा तसल्ली से लिखें कैलकुलेटर देखो फिर देखें फाइनल करें यार 8,000 यूनिट्स है लिखें 8,000 क्या है ये 8,000 यूनिट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स है अगर आप इसे 26 कहीं ढूंढें
ढूंढने छोड़ दे सब, अल्टर में 26 ढूंढेंगे, नहीं उधर ही, उधर ही 26 के तो अगर इन 8000 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे ना आंसर, मतलब ये है बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू सेल प्राइस पर यूनिट। तो ये जो फिगर आई है ये कोई प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट नहीं है। हाँ अब दूसरा काम करें, 8000 के मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट, इसको 6.05 ढूंढ के बताएं क्या है वो, कहीं ढूंढने जरा 6.05 सॉरी 8000 बार बार बोलो, 7000 बार बोलो, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कितना, 38 और 41 सर, 7000 यूनिट्स है, 7000 है मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो फिर ये कंट्रीब्यूशन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स की, वो प्रॉफिट बनती है। अब एक सेकंड बोर्ड पे देखो, 25 लिखे कैलकुलेटर, अब नाम पूरा नहीं बोलना आपने, प्रॉब्लम ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ये रुपीस, अब ये रुपये है पहले हमारे पास, अब यूनिट्स नहीं है, लेकिन इनटू 20% करें, ये क्या है, ये क्या चीज आई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कंट्रीब्यूशन, क्या यही प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट होगा, तो यहाँ होना चाहिए 5। तो किसका क्या क्या बनता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट बननी, लेकिन कैलकुलेटर उठाएं एक और तरीके से देखें, ब्रेक इवन सेल है 125, ब्रेक इवन सेल है 125, ब्रेक इवन लेवल पे कंट्रीब्यूशन आ सकती है, कैसे, 125 इंटू 20% कंट्रीब्यूशन, ये क्या है, ये कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन, ये 30 ऊपर क्या है, ये कंट्रीब्यूशन अबव ब्रेक इवन एट द प्रेजेंट सिचुएशन। अब आपको ये पता है कि कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है हर लेवल पे, नहीं हर लेवल पे नहीं, सिर्फ ब्रेक इवन पे, बाद में उसका टोटल सेम रहता है, वो एक अलग है, क्या हर लेवल पे कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है, हर लेवल पे नहीं होती, ब्रेक इवन लेवल पे क्या चीज किसके बराबर होती है, देखो प्रॉफिट जीरो होता है, हम क्या कर सकते हैं 125 into 20%, आंसर क्या है, इनिशियली क्या है, आप एकदम जब लगाते हो ना उससे फायदा को नहीं होता, इनिशियली क्या है, मैंने सेल से कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज मल्टीप्लाई की है, तो ये कंट्रीब्यूशन आई है एट ब्रेक इवन सेल्स, लेकिन नेक्स्ट फिर स्टेप क्या है, यही कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट भी होगी एट ब्रेक इवन, एट ब्रेक इवन, लेकिन आखिरी सवाल, क्या ये फिक्स कॉस्ट का टोटल एट ब्रेक इवन भी और एट एवरी लेवल भी सेम रहेगा, टोटल टोटल किसका टोटल कांस्टेंट रहेगा, तो मैंने क्या किया 125 उठाया, क्या है 125, उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, कंट्रीब्यूशन से, मैंने क्या निकाल लिया, ब्रेक इवन लेवल की कंट्रीब्यूशन विच शुड बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट एट ब्रेक इवन लेवल, बट दैट टोटल शुड बी कांस्टेंट एट ऑल अदर लेवल्स एज वेल अनलेस वी हैव इंफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन अभी आपने एक अच्छा दूसरा तरीका बताया, वो भी ठीक है, क्या बताया अभी, आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी में उठवाया 25, उससे भी फिर आपने 20% से मल्टीप्लाई करवाया, ये क्या है, नहीं कंट्रीब्यूशन आई, लेकिन हमें ये पता है फिर कि अगर ब्रेक इवन से ऊपर चले भी जाएंगे तो जितनी कंट्रीब्यूशन हम ब्रेक इवन से आगे बढ़ा लेंगे वही हमारा प्रॉफिट भी क्यों बन जाएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ने साथ नहीं चली, लेकिन ये 5 अब क्या है, कंट्रीब्यूशन और नेट प्रॉफिट, किसका लेते हैं, कंट्रीब्यूशन विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू, बोले सही लफ्ज, विच इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट या प्रॉफिट, किसकी कंट्रीब्यूशन
प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यकीन हम इस तरह भी कर सकते हैं, बोर्ड को देखो 5 पे नेट प्रॉफिट होना चाहिए और 25 पे बैलेंस फिगर फिक्स कॉस्ट भी आ सकती है। तो या फिक्स कॉस्ट निकाल के 5 पे आ जाए या 5 निकाल के कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस है। एक्सप्लेन करो दोनों तीनों एंगल्स लेते हैं। तो ये इस तरह की जो चीज है ना, ये बार 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 अभी सोचनी पड़नी है। तो अच्छा ये 5 ठीक है, लेकिन ये 5 है क्या? फिक्स कॉस्ट नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कंट्रीब्यूशन ने प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इटसेल्फ कंट्रीब्यूशन नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मींस सेल रुपीस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स के सेल रुपीस। अगर मैं बोलूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स, तो ये क्या चीज है? एक्स्ट्रा सेल के यूनिट जो मार्जिन ऑफ जो ब्रेक इवन से ऊपर बिकने, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी लफ्ज बोला जाएगा रुपीस में, तो ये बनेगा कैसे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट, और उनकी कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट में कन्वर्ट होगी। यार ब्रेक इवन की कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट नहीं बनेगी, ब्रेक इवन की कंट्रीब्यूशन सिर्फ फिक्स कॉस्ट कवर कर सकेगी। ब्रेक इवन की कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी। तो ब्रेक इवन लेवल पे फिक्स कॉस्ट अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट सारी कवर हो जाएगी। उससे ऊपर फिर जाते रहेंगे आप तो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का टोटल साथ साथ वेरी नहीं करना चाहिए, वेरी नहीं करेगा, उसका टोटल सेम रहेगा। तो उसकी कंट्रीब्यूशन, किसकी कंट्रीब्यूशन बोलने बोलना फिर नहीं नहीं ब्रेक इवन से ऊपर चला गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फिर कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट कर लिए जी? नहीं नोट कर लिया मैंने, मैडम बिठा दो। एक और स्टेटमेंट है सर, नेक्स्ट पेज पे जाना, रिक्वायरमेंट में देख, फर्स्ट रिक्वायरमेंट चल रही है, एक और हेडिंग बनाए। ये चलो कल बना घर पे टू चल रहा जी सर। प्रॉफिट स्टेटमेंट लिखे तो हेडिंग तो लिखेंगे, प्रॉफिट स्टेटमेंट परपोज में परपोज सिचुएशन जी सर जी। अब आपने कंसंट्रेशन रखनी है और करंट सिचुएशन से प्रपोज में जाना है, सही जी? सेल्स की फंड कर ले जरा, मेरे हाल लिख ले, मेरे हाल लिख ले, मैं फिर आपसे पूछता हूँ, एक मिनट अपन पढ़ ले जी। ठीक है लिखो, कहाँ से आगे चले? 150 इंटू 95% कौन सा? 5% सेल प्राइस कम होनी है तो 0.95, ठीक है, इंटू 1.3 क्यों? वो तो कहता 30%, मैंने 1.3 लिख दिया। ये बहस खत्म करें, अब ये बार बार अब आनी है, अब इस तरह मेरे ख्याल ग्रिप होनी चाहिए। 0.95 सीधा लिखा है, 95% की तरह मीन्स कैलकुलेटर पे भी 0.95 लिखा है, इंटू 1.3 करें, वो बार बार परसेंटेज का साइन भी ना दबाए। मिल गया जी, 0.95 5% डिक्रीज एंड 30% वॉल्यूम इंक्रीज, आंसर है
नहीं सर जी देखें 150 मिलियन रुपए है इसके अंदर क्या क्या है ये जहन में रखें बार बार इसके अंदर यूनिट भी है हमें लगता तो नहीं पता लेकिन इसके अंदर जो यूनिट है वो 1.3 हुए और इसके अंदर जो प्राइस है वो 0.95 तो इकट्ठा हो सकता है दोनों मल्टीप्लाई होना ठीक है सेल यूनिट इंटू सेल प्राइस पर यूनिट उसके अंदर दोनों चीजें दोनों इन्फ्लेट हो रही है डिक्रीज भी हो रही है ठीक वेरिएबल कॉस्ट करनी है अपने फमोशी से फमोशी अपना मैं कहना वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनी हुई सर पहले तो 1.3 यूनिट इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर नहीं जी सर 150 इनटू 120 सर वो आ तो गई चले ठीक है 120 आ गया 120 आगे बढ़ाए सर इनटू 1.3 क्यों करवा रहे कस्टमर नंबर 10 ढूंढ नजर एक में और ये पिछले पेजेस पे नहीं क्वेश्चन ढूंढना आंसर नहीं क्वेश्चन उसके नीचे दो नोट लिखे हुए थे वो याद रखने की जरूरत है हमेशा ओरिएंट है क्वेश्चन नंबर 10 था लगा नंबर अब जरा देखो उसके नीचे नोट लिख उसकी रिक्वायरमेंट के नीचे नोट लिखवा दो तो ये अंडरस्टूड बात है कि वेरिएबल कॉस्ट कहते किसे जो एक्टिविटी के साथ वेरी करेंगे अगर यूनिट्स बढ़ रहे हैं तो अगर मतलब सोल्ड यूनिट्स चेंज हो रहे हैं अगर एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट को भी बढ़ना चाहिए एक्टिविटी लेवल कम हो रहा है तो उसे भी कम होना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या चीज किसके साथ ठीक है लेकिन दूसरा भी पॉइंट उधर लिखा होता है प्राइस के बढ़ने से नेसेसरीली नहीं है प्राइस के चेंज होने से जरूरी नहीं है कि वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज आए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ठीक है मतलब वो बता दें कि हमने प्राइस इसलिए बढ़ाई है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी थी हो सकता है खर्चे बढ़े हो तो प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन रखने के लिए हमने सेल बढ़ा दी हो लेकिन क्या प्रॉफिटेबिलिटी के बढ़ाने के लिए भी ये हो सकता है ठीक है नेसेसरीली आई अप्लाई करना तो 1.3 मैंने क्यों किए और सर जी 20% कंट्रीब्यूशन नहीं रहा सेल प्राइस बढ़ गई है सेल प्राइस कम हो गई है सॉरी क्या सेल प्राइस के कम होने से कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज नहीं कम होगी 1.3 ठीक है ये मैंने वॉल्यूम इंक्रीज दिए इनटू 0.95 क्यों ना करो सेल प्राइस डजंट नेसेसरीली मींस कि वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी ना इंक्रीज ना डिक्रीज लेकिन हमें एक और चीज बताई थी इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से 0.9 ठीक है जी 10% कम हो रहा है नहीं पहले ये हजम कर लें सर मैंने 0.95 क्यों लिए अच्छा एक साहब ने ये भी कहा है जरा क्वेश्चन देखें उसमें 20% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है तो सही 185 डिवाइड 0.25 डिवाइड बाय नहीं उसमें क्या हुआ पहले ये ब्रैकेट में देते हैं उससे प्राइस से फर्क पड़ गया फिर वेरिएबल कॉस्ट बदल गई तो सी एस रेशियो और अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी देयरफॉर हम उससे भी नहीं कर सकते सेल प्राइस कम होगी वेरिएबल कॉस्ट भी ना कम होगी वो 0.95 से हुई है वो 0.9 से हुई है तो क्या चीज अब चेंज हो गई कंट्रीब्यूशन मार्जिन चेंज होगी 1.3 डन है सॉरी 1.3 डन 0.9 आंसर
जी ठीक है जी, ऑनलाइन शॉर्ट्स जी हमें सब ठीक है। क्या आ जाएगा सर ये कंट्रीब्यूशन कितनी? 44.85। फिक्स्ड कॉस्ट 36। एक मिनट है, चेक करने दे रहा हूँ, एक मिनट है। और वैसा आप अब कंट्रीब्यूशन अगर निकालनी तो निकालनी पड़ेगी, नहीं मतलब उस तरह से नहीं हो रहा, नहीं बना लेते हैं, बनानी है शायद मेरी बी रिक्वायरमेंट में जरूरत है, बना लेते हैं। फिक्स कॉस्ट की एक मिनट वर्किंग करेंगे आप, खामोशी से बैठ प्लीज करने दे बच्चों करने। प्रॉब्लम हुक्म भी नहीं ना करा, मसला ही है। मैंने तो नहीं कुछ कहा, मैंने तो नहीं कुछ कहा, मैंने कहा हुक्म करें क्या करें, तो करंट सिनेरियो पे 20% ही है तो मैंने काट दिया सर, हुक्म करें करंट सिनेरियो से ही तो प्रपोज में जाना। अब फिक्स कॉस्ट ढूंढ रहे हैं सर, जी सर फिक्स कॉस्ट है, स्टार्ट कहाँ सर? 25 तो करंट है, सबसे पहले 25 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 वॉल्यूम इंक्रीज से यार ऐसा जुल्म तो नहीं किसने, इनटू 0.9 सेल प्राइस चेंज होने से, वॉल्यूम चेंज होने से, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होने से फिक्स कॉस्ट के टोटल पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नई व्हीकल्स लेने से डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। और देन नेक्स्ट कुछ और भी होगा। अच्छा ये जो वेरिएबल कॉस्ट ना इनको आज फाइनल कर लेना, जिनमें वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो एक्टिविटी के साथ चेंज है, ऐसे अगर रिड्यूसिंग माइनस मेथड हो डेप्रिसिएशन का तो फिर डेप्रिसिएशन फिक्स होगी या वेरिएबल होगी? फिक्स होगी सर, नहीं वो चेंज तो जाती है, वो चेंज होती है एक्टिविटी की वजह से, नहीं WDV कम होगी तो उसने वही रहना है, हम यूनिट ज्यादा बेच रहे हैं कम बेच रहे हैं उसने WDV के बदलने से बदलना। इसी तरह इंटरेस्ट के बारे में भी सोचना, इंटरेस्ट भी चेंज होता है, लोन की आउटस्टैंडिंग बैलेंस के कम ज्यादा होंगे, वो एक्टिविटी से लिंक नहीं है, नहीं मतलब अगर लोन कम हो जाएगा वापस कर देंगे और ले लेंगे तो डेफिनेटली इंटरेस्ट चेंज होगा, लेकिन ये जो चेंज हो रहा है ये एक्टिविटी की वजह से नहीं है, तो एक्टिविटी के बदलने से जो कॉस्ट बदल रही है वो वेरिएबल कॉस्ट है, वरना ये जो इंटरेस्ट है डेप्रिसिएशन वगैरह ये सब कहाँ आ रही है? नहीं फिर फर्ज करें एक दफा रेट 12% होगा तो वो तो एग्रीमेंट है बदला ना, उसका कोई एक्टिविटी से लिंक नहीं है। तो अगली बार आपने नेगोशिएट किया 12 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, तो रेट बदलने से अमाउंट तो चेंज हो रही है, लेकिन रेट बदलने से लोन का बैलेंस बदलने से ये एक्टिविटी के साथ वेरिएशन नहीं है, हमारी एक्टिविटी कम हो ज्यादा हो बैंक इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस स्टोरी, हमारी एक्टिविटी बढ़ी है नहीं, वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस की बेस पर।
हाँ आउटस्टैंडिंग बैलेंस चेंज होगा तो इंटरेस्ट चेंज होगा, लेकिन इट इज नथिंग टू डू विद एक्टिविटी लेवल, सही। तो 40 लूं या 40 ठीक है, पहले 40 दूंगा इंटू 15%, ठीक है। सबका आ गया 36, आ गया सर, क्या 36 तो फाइनली हम नेट प्रॉफिट बन गया प्रपोज स्टेशन में 8.84। आई होप कि समझ के हुआ जो हुआ, बी रिक्वायरमेंट है गाइस। सर इस तरह क्वेश्चन नहीं कि ये डिप्रिसिएशन हम वेरिएबल में लेंगे। सर आ रही है सर, कमाल है, ये आखिरी सवाल आ गया है सर, गेम शुरू तो होने दे सर। इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होनी, वो भी कुछ हम निकल ही आना। बी पार्ट सर, ब्रेक इवन सेल एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन सेल दिया तो हुआ, हमने क्या निकाला? नो सर, प्रपोज हां जी, आफ्टर टेकिंग द अबव मेजर्स, आफ्टर टेकिंग द अबव मेजर्स ब्रेक इवन सेल्स निकालना है। ब्रेक इवन सेल्स का मीनिंग बताओ। ये जहां फिक्स कॉस्ट कवर हो रहा है, बताएं फार्मूला क्या रखा, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय फाइनल करके डेटा देखे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बना दो, यूनिट की इंफॉर्मेशन नहीं, तो सीएस रेशियो भी 20% दी हुई है, पर आफ्टर टेकिंग द अबव मेजर्स तो सीएस रेशियो, टोटल फिक्स कॉस्ट बता दो। डन है 36, आफ्टर टेकिंग द अबव मेजर्स की बात हो रही है, डिवाइड बाय सीएस रेशियो, जी बिल्कुल, अब फिगर सामने आपके 24.2 एक मिनट में आता हूँ, एक सेकंड, सी एस रेशियो का फॉर्मूला पता है? फर्स्ट पेज पे जाना, पेज नंबर 3 पे, कि पर यूनिट में भी वर्किंग हो जाती है और अगर पर यूनिट ना भी अवेलेबल हो तो अमाउंट्स में भी वर्किंग हो जाती है। तो अमाउंट्स अवेलेबल है आपके पास प्रपोज सिनेरियो में, 44.85 डिवाइड बाय 185, आप लोग ये वर्किंग करें, मैं क्वेश्चन सुनो जी, जी नहीं कर ली है ना वो तो, नहीं इसमें एडजस्टमेंट करना, 125 में करवाएं, नहीं सर वो इस तरह मेरा ख्याल नहीं हो सकेगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी तो बदल गई है ना, आप करें कर करके देखें, मैं पूछता हूँ आपने कैसे की, जो ज़हन में आता करें, 44.85 डिवाइडेड बाय 185.25 इनटू 100, 24.21%, ये approximate it is 148.7, ये ठीक है, break even sales ही है, break even sales अब units कैसे आएंगे? हाँ जी, सेल प्राइस पर यूनिट अगर मिल जाए तो यूनिट्स आ सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास सेल प्राइस पर यूनिट की इंफॉर्मेशन है और ना ही हमें चाहिए, हमें चाहिए भी क्यों नहीं, नहीं मतलब हमें यूनिट्स निकालना भी नहीं, सेल सेल मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कैसे जी 185.25, ये क्या है प्रपोज सिचुएशन में सेल और हमारा ब्रेक इवन क्या कैलकुलेट हुआ 148.69 मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बता दो, तो डिफरेंस आ रहा है मेरे को 36.55 56। जी कुछ किए अभी कर, नहीं कर क्या रहे, अगर एक मिनट बता दो मैं शायद पहुंच जाऊं कि सही करेंगे,
हम फाइंड कर रहे हैं ब्रेक इवन सेल, नहीं पहले ये ठीक है ना, ब्रेक इवन सेल। अब आपने क्या किया, ठीक है, इनटू 1.3 किया, हाँ नहीं ये तो ना, उसमें वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ गया, नहीं अब ब्रेक इवन सेल ही आ गया, ब्रेक इवन सेल पे ब्रेक इवन सेल ही आ गया, लेकिन इसमें भी वेरिएबल कॉस्ट का फैक्ट भी नहीं आया, हाँ जी प्रीफिक्स कॉस्ट का भी नहीं आया, तो यहाँ से शायद आगे नहीं जा सकते, सिर्फ सेल को नहीं बना सकते उसमें, अगर फर्ज करें और कोई इसी वेरिएबल में चेंज ना आता फिर शायद ठीक है, बना अगर बाकी ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन सेम बनाए, नहीं ये फिर मुझे मेरा ख्याल दिखा दीजिएगा क्या कर रहे हैं, फिर मैं देख लेता हूँ, नहीं ठीक है नहीं, लेकिन क्या गलती है, जरा आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो आप नहीं आप लिख रहे हैं तो मुझे एड में दिखा दीजिए, नहीं इसका शायद मुझे फिगर्स देखनी पड़ेंगी, जिस तरह नहीं सही से मिला कि आपने क्या क्या किया, तो मुझे दिखा दीजिए कभी क्लास में, ये याद है ठीक है सर, याद है ओके कर लिए सर, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं इसमें आएगा, देन सर जी जरा सॉरी मेरे कल याद नहीं रहा वॉल्यूम वन, अगर किसी के पास है तो निकाल लें, और जिनके पास नहीं भी है क्वेश्चन सामने रखा है, वॉल्यूम वन में अब जो टाइम है मतलब उसी पर टाइम करते हैं, अच्छा सवाल है, जिनके पास नहीं है कैंडी सॉरी जरा आपके सामने मैं मैक्सिमम बढ़ा कर देता हूँ, तो मैं साथ रहा पढ़ा जी, वॉशिंगटन पेज नंबर एंड में बिल्कुल, ये सेकंड लास्ट पेज है, किसी के पास अगर है तो सामने रखें, ऑनलाइन स्टूडेंट से पता होगा, ऑनलाइन स्टूडेंट हर वक्त किताबें अपने टेबल पर सजा कर रखते हैं, पेज नंबर जरा बता दीजिएगा जी, तकरीबन 220 आप लोग भी नोट कर लें, अगर कंप्लीट ना हो सका मेरे ख्याल शायद हो ही गया वैसे, तो कम से कम पेज नंबर नोट करें, वाली बात वाशिंगटन लिमिटेड, इसकी रिक्वायरमेंट जरा पढ़ा, कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड in the remaining 10 months to achieve to enable WL to pay the desired dividends. ये ठीक है, टारगेट प्रॉफिट टाइप की चीज है, नहीं या थोड़ी सी सही ट्रांसलेशन अगर कर दी जाए, नहीं मतलब अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स देख रहे थे क्या, हमने नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं जो बाकी 10 महीनों में बेचे, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स रिमेनिंग 10 महीनों में बेचे हैं ताकि हम जो डिजायर्ड डिविडेंड है वो पे कर सकें, ठीक है ट्रांसलेशन किया, यूनिट्स फाइंड आउट करने ताकि डिविडेंड दिया जाए, फर्स्ट वाशिंगटन लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ 140, वो डिविडेंड याद है, देख लीजिए गेम वहीं पड़े जाएंगे, WL deals in manufacturing of washing machines following are the extracts from the budgeted statement of profit or loss for the year ending 31st December 2018, sales revenue ब्रैकेट में क्या लिखा, हाँ जी सेल प्राइस पर यूनिट, 10,000 यूनिट नहीं, 10,000 पर यूनिट, 168 मिलियन, हाँ जी यूनिट्स आ सकते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वेरिएबल निकल आएगी, वंस अगेन शायद अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग से दिया हो, आगे क्या लिखा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स रेट आ गया प्रॉफिट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन
analysis of the actual results for the first 2 months of the year 2018 shows that budget kis saal ka isi saal ka 31st December 18 kya budget tha theek hai aur usi ka fir next kehta hai actual results for the first 2 months kaun kaun se 2 months जनवरी फरवरी क्या हुआ ड्यू टू चेंज इन इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैव बिकम अवेलेबल इन द मार्केट एट मच चीपर प्राइस कॉन्सिक्वेंटली इट वॉज डिसाइडेड टू रिड्यूस द सेल प्राइस to 9500 per unit with effect from pehle din hua kya ko translation karna is paragraph import duties kam hone se kya hua market mein sasti cheeze available hone se kya hua hame price kam karni padi humme hamara expectation kya thi ki price kitni hogi लेकिन वो पहले दिन से ही क्या हो गई 9500 पर यूनिट नेक्स्ट 1500 वॉशिंग मशीन्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड कितने अरसे में ड्यू टू इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल हैज इंक्रीज्ड बाय वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जरा ज़हनी तौर पे चले जाए और बताएं इसमें क्या क्या होता है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर यानी वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ओनली बाकी अगर सेलिंग एडमिन होंगे तो वो ऑपरेटिंग में होंगे मतलब वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल में सिर्फ मटेरियल लेबर ओवरहेड्स होंगे तो क्या हुआ जी 100 रुपए अगर प्राइस थी पहले तो 1.05 105 होंगे अच्छा ये भी क्लियर रखिएगा 1.5 का मतलब 50% होता है ना 1.05 8% अगर बढ़े तो 2% बढ़े 20% बढ़े तो 1.2 ही होगा ठीक है सर तो पहले 2 महीनों में क्या हुआ एक तो प्राइस 9500 हो गई है 1500 वॉशिंग मशीन सेल हो गई है और प्राइस जो है वो 5% बढ़ गई वेरिएबल कॉस्ट से टू बूस्ट द सेल WL हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ प्रमोशन कैंपेन एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 5 मिलियन ये चीज तीन सवालों में अब तीसरे सवाल में आई है अपने वॉल्यूम 1 में ये जो सॉरी जिसमें चैप्टर वॉल्यूम 2 पहले तो कल वाला आइडियल होना पेज नंबर 38 उसमें कहीं ढूंढने 3.5 मिलियन था उसमें एडिशनल टू लॉन्च यही था क्या बढ़ से शुरू हाँ जी 3.5 मिलियन देन डरते डरते कह रहा हूँ एक एबीसी लिमिटेड था मैं डरता डरना मेरा बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आप स्पेस पे जा रहे हैं 50 मिलियन उसमें भी था सेल उसमें कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी नहीं थी मेरा 50 मिलियन 50 मिलियन थी हाँ पेज नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है सर अब ये क्या है ये एडवर्टाइजमेंट कंपनी से क्या चीज है बल्कि 250 मिलियन मुझे बताया था 250 मिलियन ठीक है ठीक है तो ये भी एक इजाफी खर्चा है अब ये यहाँ भी आ गया क्या है ये हाँ जी ठीक है मतलब इंक्रीज इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट अरे बस बस मैंने दिखाई ना दिखाऊंगा डायरेक्टर्स ऑफ द WL विश टू पे 5% डिविडेंड टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर इससे अगली लाइन की जरूरत ही नहीं है बीमा सबसे पहले ये बताएं कि ये डायरेक्टर्स की जो ख्वाहिश है विश टू पे 5% डिविडेंड टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर
ये पता कैसे चलेगा कि वो कितना डिविडेंड देना चाह रहा है? ये याद है किसी को? डिविडेंड जो है वो परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल होगा, और कौन सा शेयर कैपिटल? ऑथराइज शेयर कैपिटल? नहीं सर, ऑथराइज सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। तो कैलकुलेटर उठाएं सर। नहीं, ये सबको याद है बात कि डिविडेंड की जो परसेंटेज है वो शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर कौन सा शेयर कैपिटल? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल, नॉमिनल वैल्यू बाकी पेड अप इशूड बाय स्टोरी पाकिस्तान में होगी। तो ये बन जाएगी फिगर 7 मिलियन। ये एट द टाइम, व्हिच इज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। तो 140 इनटू 5% इज द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड, ऐसी जो वो देना चाह रहे हैं, विशेष उनकी ख्वाहिश है। हाउएवर अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विद द बैंक, WL कैन नॉट पे डिविडेंड एक्सीडिंग 80% ऑफ इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब डिविडेंड की थोड़ी स्टोरी की जरूरत है। डिविडेंड जरा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटीज में बनाया जाता है। डिविडेंड प्रॉफिट्स में से दिया जाता है। अब इसको ध्यान में रखकर पढ़ें, ये सेंटेंस आगे करो। बैंकों से सर आते हैं ना कभी, तो बैंक्स वाले फिर अपनी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए होते हैं, उन्हें अपना इंटरेस्ट और अपना प्रिंसिपल वापस लेना होता है, तो वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। वो शायद एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा उसका 80% से ज्यादा डिविडेंड नहीं होना चाहिए। ऐसी सही ट्रांसलेशन है? क्या चीज किसका किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 80% ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटर पे लिखे 7। अगर ये 7 देना है तो प्रॉफिट फिर आफ्टर टैक्स कम से कम कितना होना चाहिए, ये सोचा जा सकता है इससे? नहीं, मतलब क्या करें आप? ये 7 अगर देना है तो कम से कम फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना कितना चाहिए, क्या करें? 80% की मतलब, क्योंकि हम प्रॉफिट का 80% ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते। तो डिविडेंड शुड नॉट एक्सीड, या इसको इस तरह से ट्रांसलेट ना करना, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 रुपए है, मतलब 80% दिया हो, बल्कि इसका ठीक है, सेंटेंस पढ़ो। 80% किसका? प्रॉफिट। 80% मींस 80%। क्या अगर 100 है तो क्या 80 है? प्रॉफिट आफ्टर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 रुपए है तो डिविडेंड 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 7 क्या निकाला हमने? डिविडेंड, तो डिविडेंड डिवाइड बाय 80 इनटू 1, क्या आंसर आया? 8.75 क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन क्या गेम अभी ऑन है? हमें अपने फार्मूले में, अच्छा फार्मूला की जरा रिक्वायरमेंट देख के बोले, जरा फार्मूला क्या चाहिए? टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए प्लस फार्मूले में प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही आएगा, और डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की तलाश करेंगे, अगर वो ना मिल सकी तो सीएस रेशियो से वापस यूनिट्स की तरफ आने आना, वैसे यूनिट से की। तो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बिफोर टैक्स बनाया जा सकता है? क्या हमें एग्जामिनर एक नंबर भी देना चाहता है? नहीं देना चाहता। क्या हमें सारे नंबर खुद लेने होंगे? 30% टैक्स रेट है सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कैसे जाऊंगा? 8.75 डिवाइडेड बाय 70 into 100 इज इक्वल टू, ये कहीं नोट करेंगे, सॉरी से करो, पहले अदा को सफा रखें, आप पेज रखें।
अच्छा आप यार जाने दे गुस्सा यार, पेज नंबर भी पूछ रही है, 220 नंबर सवाल का। शहाब साहब अपने बेड के साथ वाले टेबल पे किताबें रखें, वहीं से रजाई में ही बैठे बैठे हाथ बढ़ाने से सारी किताबें रीच में आ जानी चाहिए। इस तरह पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं तो उठते उठते ही पढ़ना शुरू कर दिया करें। ये बातें मुझे इसलिए पता है क्योंकि हम भी आप जैसे थे यार, बस ख्वाहिश है कि शायद जमाना बदल जाना चाहिए। आप लोग तो फिर पढ़ लेते हैं, हम तो आखिरी महीने पढ़ने का सोचते थे। हमारे जमाने में लेकिन पढ़ाई आसान थी तो आखिरी दिन भी बंदा पढ़ता था तो हो जाती थी, लेकिन अब चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में आपको जरा मेहनत ज्यादा रिक्वायर्ड है। दुनिया आगे निकल गई है अल्हम्दुलिल्लाह, हम पीछे रह गए। जी सर, नहीं नोकिया भी नहीं था उसमें, पीटी सेल होता था, वो भी मोहल्ले में चंद घरों में होता था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो जमाना भी मेरा ख्याल है देखा है कि गली में एक टेलीफोन होता था, वो शायद आपने ड्रामो फिल्मों में भी पुराना उस तरह का, उस तरह घुमा घुमा के हमने भी गए एक क्या उसे कहते हैं, नहीं हाँ ये भी होते थे, ये क्या उसे कहते थे, पीसीओ, पीसीओ होता था। कैसे जिंदगी गुजरती होगी यार। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गुजरती थी। वो मैंने एक पेजर भी देखा, पता नहीं वो एक अजीब सी चीज थी, वो भी मेरा 90s के लेट 2000 के स्टार्ट में था, वो इतने लंबे लंबे से मोबाइल आने शुरू हुए थे, लोग उसे पकड़ पकड़ के लेके फिरा करते थे। वो मेरा उस जमाने में 40-50 हजार रुपए का, आज मेरा ख्याल वो कोई 1 रुपए का ना ले। वैसे ही एंटीक, लेकिन एंटीक ना बन गया वो। जी सर, जी डाना सर, लेकिन सर आप माशाल्लाह बड़े तेज हैं यार, क्या ख्याल नहीं, और सर बड़े तेज हैं, कमाल हो गया यार, और कैसे मैं कहूँ, नोट कर लिया। हाँ सर जी, गेम ऑन करें, आधा घंटा लगा, शुक्र बच्चा छोड़े सर, जो ऑब्सोलीट होगी दुनिया उसको छोड़ दे, मैं छोड़े। ये जो आपके हाथों में मोबाइल है, ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्सोलीट होते जाते हैं मेरा ख्याल, हर गुजरते दिन के साथ नई टेक्नोलॉजीज नहीं आ रही, तो इनको संभाल के रखें, मतलब जो पुराना मोबाइल है हो सकता है एंटीक बन जाए, और 10-20 साल बाद ये भी होता था। आप जैसे आप जब बड़े हो जाएंगे तो आपके नेक्स्ट जनरेशन है, कैसे मतलब इन चीजों में, मैंने कब कहा यार कमाल है, क्यों नहीं करना, मैंने कब कहा भाई मोबाइल संभाल करना, कहाँ कहा मैंने, कमाल है, मेरे पे इल्जाम है। मैं तो कहता हूँ, मैं तो सर एक स्टेप आगे जाना चाहता हूँ, आप मेरी बात अगर सही समझ सके, मैं चाहता हूँ टेक्नोलॉजी हम बनाएं भी खुद, अब इधर नहीं आ रहे हम सिर्फ कंज्यूमर क्यों हैं, हम मैन्युफैक्चरर क्यों नहीं इसके, नहीं हम होंगे सर, मतलब बहुत देर ख्वाहिश क्यों नहीं, जिस तरह हम मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से भी, नौजवानों से भी आगे, हम कंज्यूमर जो है ना, मेरा ख्याल दुनिया के बेस्ट कंज्यूमर होंगे, जो टेक्निक्स हमें आती होंगी ना कंज्यूम करने की चीजें, वो दुनिया के किसी मुल्क के नौजवान ने सोचा भी नहीं होना, ये भी हो सकता है अगर उससे मुलाकात हो जाए। हम सिर्फ कंज्यूमर क्यों बनना चाहते हैं, बस ये एक शायद थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ है। और क्या हम, और हम जिस चीज के लिए, जिस चीज के लिए वो चीज होती है वो तो नहीं कर रहे हम, नहीं वो तो मैं हूं ना, तो कंज्यूमर के साथ ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरर बनने में क्या हर्ज है, नहीं मतलब पॉइंट है, मतलब सीधा सा पॉइंट जी, क्या ये नहीं हो सकता मोबाइल्स दुनिया में बना के भी
एक्सपोर्ट्स करके रेवेन्यू जनरेट कर। फर्स्ट ईयर तक फ्लॉपी थोड़ी पढ़ रहे हो जी? फ्लॉपी ये फ्लॉपी जो कंप्यूटर की बुक्स है फ्लॉपी है जी? वो जमाने मैंने देखी नहीं, वो मैं इतना ही पुराना। नंबर ऑफ यूनिट्स number of units to be sold to pay desired dividend. मेहनती बने सर, कोई भी काम करें रुक के सोचे सही है, अगर सही है तो फिर पीछे मुड़ के ना देखें, और अगर गलत है तो एक कदम भी आगे ना बढ़ाए। ठीक, किस लम्हे सोच लें, बस जब कोई कोई भी काम करने लगे एक लम्हे के लिए रुक के सोचा, अपने आप से पूछा, आपको पता है सारा सही है तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखें, और फिर ये ना सोचें मुश्किल बढ़ाए यार, अगर सही है तो जितना मर्जी मुश्किल हो एफर्ट भरपूर करें। क्या करें, क्या मुश्किल मीन सही, आसान मीन गलत? नहीं, ये भी नहीं है और ना वाइस वर्सा भी है। क्या आसान मीन सही, मुश्किल मीन गलत? ये भी नहीं, सही गलत और है। हो सकता है सही चीज मुश्किल हो तो फिर उसे छोड़ दो तो फिर एक भरपूर एफर्ट करने का चीज सही है तो। डी डी फार्मूला 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 टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड माय प्लस, सॉरी अगर फिगर ही बता दे मुझे, 12.5 मिलियन लिखे फार्मूला डिवाइड बाय सी एस रेशियो से करें या यूनिट की कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं, कुछ लग रहा है कोई यूनिट्स का डाटा है तो इस बारे इसके देखें, हर किसी मतलब नहीं, फर्ज करें मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख ली है, अगर फर्ज करें ना निकल सका तो हम फार्मूला बदल लेंगे, तो मतलब ये तो नहीं कि जो हमने लिख लिया वो बाद में एक हल्की सी लाइन लगा देंगे बस इस तरह और दूसरा शुरू कर देंगे। अच्छा, काटने के भी बहुत से तरीके होते हैं, पता देखें एक ये कट गया वैसे मैंने जो किया, लेकिन हम ये भी एक तरीका है तो पेपर में इसे करने भी पड़ जाते हैं, मेरा ख्याल में उसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है सर, फिक्स कॉस्ट होने नहीं ना निकले तो मैंने नहीं कहा कि नहीं निकलेंगे, मेरा ख्याल है डिसाइड ये हुआ था कि हम हमेशा पर यूनिट वर्किंग कर लेंगे इफ इट इज पॉसिबल, और फिर वहां से जहां जाना चाहेंगे चले जाएंगे, लेकिन अगर डाटा ना तो सी एस रेशियो से आ जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कहीं से कि यूनिट्स निकल आने, वजह उसकी क्या है बताएंगे, आपको भी बिल्कुल पता है, एक सेल प्राइस पर यूनिट दी गई ना निकल सका तो अल्टरनेट वे देखते हैं, लेकिन आए पहले फिक्स कॉस्ट पता है 25.7 नहीं, एक चीज मिस कर दी बस, और अब वो एक सेल्स कैंपेन की स्टोरी भी था, सही तरह वर्किंग करना वर्किंग वाला। अच्छा, ये क्वेश्चन जरा मैं साथ साथ रखना है, जरा इसके मैं चारों जरा सवाल पूरा आपके सामने फिगर्स नहीं है, इसलिए वर्किंग जो मैं कर रहा हूँ ये फिर आपने नोट करते रहना, स्पेस रख लें नीचे, मैं फिर मिटानी है। ये टोटल फिक्स कॉस्ट सर लिखा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर, कॉस्ट ऑफ सेल्स 127 मिलियन माइनस 21.2 मिलियन, डेली बेसिस पे आपने कॉस्ट पे एफर्ट जारी रखनी, आंसर बना बल्कि सॉरी मैंने नोट कर लिया, ये तो सॉरी ये तो स्टेट पे गिवन, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर फिक्स कॉस्ट ही तो है 21.2 मिलियन, सॉरी वेरिएबल निकालनी थी शायद इसमें, लेकिन वो ऑपरेटिंग में फिक्स कॉस्ट 4.5 मिलियन सीधी अवेलेबल है, सेल्स कैंपेन 5 मिलियन, ये होगा 30.7 मिलियन टोटल, 307 3.7 मिलियन सॉरी 30.7 मिलियन,
नोट कीजिएगा, मैंने मिटा दूंगा। अब जरा एक नजर अगर नोट कर लिया तो रिक्वायरमेंट वाली लाइन देखें। हमने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड निकालने, तो रिमेनिंग 10 महीनों में बेचने, ऐसे ही? लेकिन शायद बेटा हमें पहले 2 महीनों के यूनिट्स पता है, ढूंढने जरा कहीं कितने यूनिट्स पहले 2 महीनों में बेचे। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, अगले 10 महीनों में। लेकिन शायद हमें इससे इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं एक वर्किंग कर लूं, पूरे साल के एंगल से अगर एक वर्किंग कर लूं, तो हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे। उनमें से अगर हम 1500 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग 10 महीनों का, मतलब इस साइंस में तो फर्दर जाने की जरूरत नहीं। रिक्वायरमेंट देखें कि हमें फाइंड आउट वही करना है कि जो रिमेनिंग 10 महीनों में बेचने, हमें किसका पता है। पहले 2 महीनों के यूनिट्स 1500 में पता बिके, तो अगर हम टोटल यूनिट्स निकाल लें जो पूरे साल में बिकने हैं, तो रिमेनिंग 10 मंथ के यूनिट्स का कैसे पता चल जाएगा, माइनस करके। ठीक है, तो मतलब मीशो से हमें किसी फार्मूले को नहीं बदलना, हमें अपनी वही वर्किंग करनी है जिसे हम यूज्ड टू हैं। लेकिन लास्ट स्टेप क्या होगा कि 1500 माइनस करके रिमेनिंग यूनिट्स का कमा। ठीक है, तो मीशो से अब हमने सिंपली क्या ढूंढना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बिटा दूं आइए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के एंगल से बैठा जी, बिल्कुल ठीक है। अभी करते हैं हेडिंग बनाए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और शायद ये बातें कंपैरेटिवली दूसरे सवालों से कुछ इजी हों। क्या नहीं लिख रहे हो, कैसे किया, मैं फिर अभी डिस्कस करता हूँ। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगी, सेल प्राइस पर यूनिट, आहिस्ता आहिस्ता जी बताए नहीं, सेल प्राइस पर यूनिट क्या, एक 10,000 भी दी हुई है और एक 95 भी दी हुई है, अब कौन सी लें? अब 9500 ही क्यों लें, क्योंकि ये कम जनवरी से पता चल गया और हमने 9500 पे बेचना, देखना जरा ठीक है। तो 9500 ठीक है, नहीं अब उस पे बेचना नहीं ना, हमने उस पे बेचने का प्लान था, लेकिन यकम जनवरी को क्या पता चला कि गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्ट स्ट्रक्चर चेंज किया उसकी वजह से अब मार्केट में चीजें सस्ती हो गई है, देयरफॉर हमने अब सेल प्राइस रिड्यूस कर ली है यकम से। डेफिनेटली अगर ये डाटा ना हो तो हम 10,000 लेंगे। अब हमें ये पता चल गया कि यकम से, अब यकम से पूरे साल से ऐसे, तो 10,000 की जगह 9500 शायद रेलेवेंट हो गया। चलो अब आगे क्या करना है, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट अब लेनी है, लेकिन शायद अलग अलग इसलिए ढूंढ कि ये 5% एक बीच में है, वेरिएबल कॉस्ट में कुछ चेंजेस है। अब ये वाली वर्किंग आपको करवानी चाहिए, सिर्फ फोकस करें वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। कैलकुलेटर पे लिखे 127 मिलियन, बिल्कुल ठीक है, पहले कैलकुलेटर यूज करें जरा अपने आप कंफर्टेबल करें। 127 मिलियन क्या है, माइनस कर दें 21.2 मिलियन, हाँ जी यहाँ तक क्या आया, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, हमें चाहिए पर यूनिट। तो पहले ऊपर वाला आप डाटा ढूंढना पड़ना है, ये कितने यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट होगी, यहाँ पे जरा एक वर्किंग कर लें कहीं, जरा नंबर ऑफ यूनिट्स की, नंबर ऑफ यूनिट्स 168 मिलियन, जिनके पास डेफिनेटली बुक है वो बुक पे ही नोट कर लें ये चीजें, जिनके पास बुक नहीं है आपने कैंडी बुक पे जाके ये 2-3 चीजें लिख लेंगे। 168 मिलियन और डिवाइडेड बाय क्या कर रहा हूँ, 10,000 के है सेल प्राइस पर यूनिट, 168 मिलियन के है यूनिट्स इनटू सेल प्राइस पर यूनिट हुआ भाई, रुपीस है, तब मैं यूनिट्स की तरफ जा रहा हूँ, तो 16,800 बनेंगे चलो।
16,800 यूनिट्स बनेंगी, बन गए? अब दोबारा कैंडी देखें, 127 मिलियन माइनस 21.2 मिलियन। अच्छा जीरोस की गलती नहीं होनी चाहिए था, पूरे लगा लिया करें, लेकिन ये ना हो कि मिलियंस के चक्कर में सारा गलत हुआ। ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई, आ गई कितने यूनिट्स की? अच्छा यहाँ रुक के मेरा एक सवाल सुनो, फर्ज करें स्टॉक्स डिफरेंट होते, स्टॉक लेवल होते, प्रोडक्शन से डिफरेंट होती, प्रोडक्शन डिफरेंट होती है, सेल डिफरेंट होती, हो सकती है? क्यों? स्टॉक हो सकते हैं प्रोडक्शन से, लेकिन इवन देन मेरा गुमान ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मीनिंग क्या होता है, ये यूनिट्स बिके ये उन्हीं की कॉस्ट है, ये उन्हीं की कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर मैं कहूं तो उसका मीनिंग क्या है? तो अगर वो डिफरेंट भी हो तो कॉस्ट ऑफ सेल उठा रहे हैं, दोबारा ऑल्टर की जरूरत पड़ी है। ऑल्टर क्वेश्चन नंबर 4 की इनकम स्टेटमेंट, ऑल्टर 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 क्वेश्चन नंबर यूनिट सोल्ड इंक्रीज होने चाहिए, सेल प्राइस डिक्रीज। नहीं वो भी हम तभी अज्यूम करेंगे, नहीं ये हमें मजबूरन करनी पड़ेगी, ये हमें मार्केट कंपटीशन की वजह से करनी पड़ेगी। एक ये भी हो सकता है कि हमने जानबूझकर कम किया था कि वॉल्यूम बढ़ जाए, ये शायद हमारी चॉइस ही नहीं है। सस्ती चीजें मार्केट में आ जाने से हमें शायद अपना एग्जिस्टिंग वॉल्यूम ही मेंटेन करना मुश्किल हुआ और उसके लिए हमें कंपेन चलानी पड़ गई, और वैसे भी वो इन्फॉर्मेशन देगा तभी ऐसे, हम खुद से नहीं अज्यूम करेंगे कि प्राइस कम होना डजंट नेसेसरली मींस कि यूनिट भी जरूर बढ़ेंगे, हो सकता है कंपटीशन की वजह से, फिर हमें तो कंपेन चलानी पड़ेगी। हाँ पर यूनिट तो डेफिनेटली, लेकिन ऑल्टर में जरा काइंडली जरा ऊपर बताएंगे सेल कितने यूनिट्स की है? 145 की, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 175,000 की, लेकिन जो नीचे कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकली है ना वो 138 की है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आपने 175 की निकाली है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स पता है किसी को? बल्कि 175 नहीं, हम तो बड़ी दूर निकल गए, 218,000 की निकाली है, पहले 218,000 की निकाली वो रिकवरी वैल्यू आई 178, ढूंढने इधर वर्किंग ढूंढने इधर इधर उधर पहुंचा कोई? एक कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बताएं इधर कहीं फिगर, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर बताएं, 3 to 8 5 ये कितने यूनिट्स की कहीं ढूंढ के बताएं, बल्कि इसके नीचे भी स्टॉक की वर्किंग हुई होनी है, तो 175 बने लेकिन 30 का क्लोजिंग स्टॉक लेस होने से जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल बनी है वो 138,000 यूनिट्स की ही दोबारा, सॉरी 145 मींस उसे जितनी सेल है उसके नीचे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल उतनी यूनिट्स की है, अगर कोई बचे का स्टॉक तो वो लेस होकर बैलेंस शीट में पहुंच जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिफरेंट भी होती है एक्सचेंज बोर्ड पर देखें तो अब हम 127 मिलियन कॉस्ट ऑफ सेल ले रहे हैं, इसका मीनिंग बता देना, कॉस्ट ऑफ सेल के लफ्ज का मीनिंग, जो यूनिट बिके ये उन्हीं की कॉस्ट है, तो इसने 16,800 से ही डिवाइड होके पर यूनिट बन जाना, ठीक है? ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ सेल मींस जो यूनिट्स सेल हुई ये उनकी कॉस्ट है, तो निकाला जा सकता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए कैसे करूं, बल्कि अब मेरी आंसर चलो मैं फिगर्स लिख देता हूं, 127 मिलियन माइनस 21.2 मिलियन डिवाइडेड बाय, पर यूनिट चाहिए ना मुझे, तो मैं डिवाइड बाय कर रहा हूँ स्टेटमेंट 16,800, ऐसे ही है? यहां तक एक आंसर बताएं जरा, नहीं यहां तक नहीं है, यहां तक नहीं, यहां तक नहीं, 16,800 तक करके एक आंसर का नाम बताएं, नाम ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक्सपेक्टेड थी। अब अगली लाइन में याद रखें, क्या इसमें कोई वेरिएशन एक्सपेक्टेड है? हाँ जी, 5% रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो इनटू 1.05
लिखे डबल हाँ ठीक है आंसर लिख देता हूँ डबल सिक्स डबल सिक्स वन टू पॉइंट फाइव फाइन ठीक है यहाँ तक आ जाए करते हैं जानले स्टूडेंट्स बड़ा क्लियर है यहाँ पर डाने सर लेकिन गेम अभी क्यों चल रही है हाँ जी मतलब क्या रहता है अभी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट वो कैसे करूं कैसे करूं सर वैसे ही करूंगा जैसे करनी है 16 मिलियन लिखे माइनस 4.5 मिलियन करें जो आंसर आया 11,500 इसको डिवाइडेड बाय बताएं डिवाइडेड बाय क्या ये वैसे जो होती है ये 16 यूनिट्स की होती है डिवाइड बाय 16 800 करें कोई आंसर बताएं 684.524 क्या आंसर आ रहा नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है बताएं फिगर्स नहीं वर्किंग कैसे करो 16 मिलियन माइनस 4.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 16,800 और देन मल्टीप्लाइड बाय कुछ करने की जरूरत क्यों नहीं है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं कि वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ने भी चेंज होना ही नहीं वो सेल कंपेन होनी तो है यार तो वो फिक्स में आ गई हुई आंसर बताइए 684.5 ठीक है जी ठीक है मिस्टर मुजम्मिल हो क्या रहा है किसी को पता है हो क्या रहा है आर वी इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यस वी हैव इंफॉर्मेशन ऑफ यूनिट्स वी कैन गेट फिगर ऑफ यूनिट्स ये अब सेल प्राइस माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू डबल टू जीरो जीरो 2.98 बैद रहे हैं यार सवाल गलत बच्चों ने सवाल गलत कर दिए थे ये बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई दो नंबर हाँ जी दो नंबर ही बर्दाश्त नहीं इनसे होनी भी नहीं चाहिए एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है दो नंबर ही बीच में कहां से आया नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर क्या है सर ईमानदारी सर पॉइंट्स में भी बस आपने जिंदगी में याद रखनी बातें मेरे जैसे जितने मर्जी जिंदगी में आ जाए कहीं जाए राउंड ऑफ कर ले यार कुछ नहीं होता कर ले मेरी भी सारी बातें पेपर के एग्जाम हॉल से निकल के ब्रेन से निकाल देंगे जी सर जी वाइंड अप हो सकता है टोटल फिक्स कॉस्ट 30.7 मिलियन जमा 12.5 मिलियन डिवाइड बाय डबल टू जीरो गलत करा के छोड़े जो दिल करता है सर किसी का 19609 कर लिया आप 8 आ रहा असल सवाल था शुरू हुआ और सर जी जो करना है कर लो सर मेरा भी यही समझो एक लास्ट स्टेप क्यों रहता है रिमेनिंग यूनिट्स टू बी सोल्ड इन रिमेनिंग टर्म्स Once again, I must emphasize, इस वक्त जो क्वेश्चन हो रहे हैं आपने
उन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ये अनलिमिटेड सवाल पॉसिबल है, लेकिन तरीका क्या है, जो होता जाए उसे रिवाइज करते रहे, और अगर नया कोई आए तो उससे परेशान ना हो। ये परेशानी सोल्यूशन नहीं है, ये सब ऐसे ही होते हैं, ठीक है। फाइनल आंसर बता देंगे कैसे आएगा, बस ये मुझे बता दो करना क्या है। 19609 माइनस 1500 जो भी आंसर आए वो आपका, बस वो घर जाके निकाल दीजिए। जी मौसम कर सकते थे, लेकिन 5% रॉ मटेरियल में इजाफा आ रहा है, तो मेरा ख्याल है वो फिर आप दोनों में 1.05 कर देंगे। उठते उठते जरा एक आखिरी सवाल हो जाए सर, मौसम साहब ने एक तरीका बताया, हम ये इकट्ठा नहीं कर सकते थे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल और वेरिएबल, इकट्ठा लिख लेते और डिवाइड बाय 16800 कर लेते, कर सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये 1.05 सिर्फ मल्टीप्लाई होना है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो अगर आप इकट्ठा कर लेंगे फिर इनटू 1.05 अगर इकट्ठा कर लेंगे तो वो सही है, तो हो सकता है अगर 1.05 ना हो, और अगर दोनों में 1.05 होना होता फिर हो जाता, तो ये चीजें वो है, ये वो चीजें हैं जो करने से सोचने से पता चलेगी, तो ऑल्टरनेटिव तरीके सोचा करें और जरूर उसको डिस्कस करना चाहिए। तो ये आपका जो, ये जो है कि आपका विजन ब्रॉड होना चाहिए, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, ये भी होता है, ये भी होता है, ये होना चाहिए, लेकिन ये कोशिश करने से। एक आपसे मुलाकात रखा करनी है संडे को, इसलिए क्योंकि संडे को पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी पढ़ाई शुरू करूँ, तो अगर आप नहीं हुआ करेंगे तो मुश्किल हो जाता, तो 1:45 इंशाल्लाह की मुलाकात होगी। 1:45 रखने का मतलब जरा जोहर की नमाज तक फ्री हो गई। कल कौन सा दिन है, छुट्टी है, छुट्टी है, तो इंशाल्लाह 1.5 घंटा बस मैक्सिमम, नहीं जो ऑनलाइन होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा फिजिकली जरूर होना है, लेकिन अब जहां भी हो मेरी आवाज अगर आपने चाही तो आपका पीछा करेगी, सुबह रहने दे, सुबह आराम से आप अपना पढ़े, शाम को बरसात सर फिर वो लेट नहीं, ये ना करें यार, ये नहीं कर सकते, सुबह का जो टाइम वो आपकी सेल्फ स्टडी के लिए, ये डिसाइड हो चुका कि सुबह फजर के बाद आपने उठ जाना और 3-4 घंटे पढ़ के अगर दोबारा सोना तो सो लीजिए, 10 बजे दोबारा सो ले, लंच टाइम पे उठ जाए, नमाज पढ़े जोहर की, हल्का फुल्का खाना खा के, ज्यादा नहीं फिर दोबारा जाके खा लेंगे, लेकिन FA2 वाले हजरात जरा थोड़ी और लेट से जाएंगे, तो आपसे अलहदा मुलाकात, आपसे दोस्ती ज्यादा है, आपका पढ़ने का जज्बा भी ज्यादा है, तो ये बच्चों को इंशाल्लाह सवा 3 फारिग कर दे, अल्लाह मशवरे बिल्कुल ठीक है, अल्लाह हाफिज़।